अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं एक और दावत का व्लॉग डाल रही हूँ। यहाँ पे मेरे दोनों मामों की दावत थी आज, उनके बेटे की सालगिरह भी थी, तो हमने कहा चलें अपने घर में कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने सुबह सुबह ला के जो है वो चिकन धो दिया है रोस्ट के लिए। कट्स मैंने शॉप से ही लगवा लिए थे। और यहाँ पे मैं बिल्कुल सिंपल सा मसाला लगाऊंगी दही के अंदर। मैंने टिक्का मसाला, सूखा धनिया, ज़ीरा, साथ लहसुन अदरक का पेस्ट और थोड़ा सा येलो कलर और लीमू डाल दिए हैं। और यहाँ पर बस ये मैं सारे चिकन को इस तरह से मसाला लगा लूँगी। बहुत ज़्यादा मैंने इंग्रेडिएंट्स इसमें नहीं डाले क्योंकि मैं थोड़ा सा इसको सिंपल सा बनाना चाह रही थी जो कि सब खा सके इजीली। अगर बहुत ज़्यादा मसाले और स्पाइसी हो जाता है तो वो खाया नहीं जाता। बस ये मैंने यहाँ पर सुबह 9-10 बजे का टाइम था इस वक्त यहाँ पर, और मैंने इसको मसाला लगा कर लिफाफे में बांध कर फ्रीज़र में रख दिया दोबारा, तो ये 2-3 घंटे मैरिनेट होगा। साथ यहाँ पर मैंने सूप रख दिया था। सूप की मैंने सारी वेजिटेबल और चिकन बॉयल कर ली थी। वेजिटेबल फिर मैंने डिस्कार्ड कर दी और चिकन जो है उसमें बोन्स निकाल के पीस लिया। यहाँ चिकन पीसने के बाद उसके बाद मैंने सूप के अंदर वापस डाल दिया, थोड़ी कॉर्न भी डाल दी थी और क्रैकर्स फ्राई करके रख लिए थे। उसके साथ ही यहाँ पर अब मैं बनाने लगी हूँ चिकन कढ़ाई। चिकन कढ़ाई के लिए मैंने प्याज जो है ऑयल में फ्राई कर लिया। जब वो ब्राउन हो गया तो उसके अंदर मैंने चिकन, साथ लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया, उसके साथ सूखा धनिया, ज़ीरा डाल दिया, थोड़ा सा टमाटर जो है वो डाल दिए और साथ ही हरी मिर्चें और दही डालकर इसको मैंने रख दिया था 15-20 मिनट के लिए। और साथ इसमें मैंने थोड़ा सा कढ़ाई मसाला डाल दिया था। 15-20 मिनट के बाद जो टमाटर है वो नरम हो चुके थे तो उनके मैंने छिलके उतार दिए और वो उतार के कढ़ाई को भून लिया अच्छी तरह से। उसके बाद मैंने इसके अंदर एक चम्मच मक्खन डाल दिया, सो 2-3 हरी मिर्चें डाल दी और धनिया वगैरह डालकर मैंने रख दिया था। मैं सबको साथ साथ ही करती जा रही थी ताकि शाम को बहुत ज़्यादा बर्डन ना हो। तो ये धनिया हरी मिर्च रख के मैंने रख दिया था। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आलू और नूडल्स के रोल बना रही हूँ। इसमें मैंने चिकन ज़्यादा नहीं डाला था क्योंकि बाकी सारी आइटम्स चिकन वाली थी, तो मैगी नूडल्स हैं और इसके साथ पोटैटो, मटर और नमक, काली मिर्च डाल के मैंने उबाल ली है। ये मटेरियल यहाँ पर तैयार हो गया है। थोड़ा सा मैंने बिल्कुल चिकन इसके अंदर डाला है, थोड़ी सी कॉर्न्स भी डाली हुई हैं। और जब ये ठंडा हो गया तो मैंने इसको जो है हाथों से मसल लिया था। और बहुत ज़्यादा आपने हलवा नहीं बनाना, बस इसको हल्का हल्का मसल लें। और उसके बाद मैंने इसके रोल्स इस तरह से बना के रख लिए थे। रोल्स बना के साथ ही मैंने जो इसके ऊपर अंडा, मैदा और ब्रेड क्रम्स लगा लिए थे। पहले मैदे में फोल्ड करती थी, फिर अंडा और ब्रेड क्रम्स, ताकि शाम को काम कम हो। इस तरह से सिर्फ मैं इसे फ्राई कर लूँगी। ये रेडी करने के बाद साथ ही अम्मी जो है यहाँ पर मटन का सालन बना रही हैं, क्योंकि मटन मैं नहीं बनाती यूजली, तो ये अम्मी यहाँ पर मटन बना रही हैं। तो मटन भी हमारा रेडी हो चुका है। वह मटन बहुत थोड़ा सा बनाया था क्योंकि सब लोग इतने शौक से खाते नहीं हैं। उसके बाद यहाँ रशियन सैलड मैं बना रही हूँ। इसमें मैंने सेब, अनार, बंद गोभी, मटर, गाजरें, सारी वेजिटेबल्स वगैरह जो थी वो डाल ली थी। इसके साथ मैंने यहाँ पे क्रीम और 1000 आइलैंड जो सॉस होती है वो मैंने यहाँ पर डालकर इसमें मिक्स कर ली और 1-2 चम्मच मायनेज़ भी डाली थी और साथ नमक, काली मिर्च डाल दी। और ये यहाँ पर मैंने इसको बॉल में ये भी डाल लिया। ऊपर मैंने गार्निशिंग में के लिए बादाम, कुछ कीवी और जो काजू हैं वो डाल लिए थे। तो ये मैंने बॉल में ही डाल के रख दिया था ताकि बस शाम को निकाल के सर्व कर दूँ। इसके साथ साथ मैंने यहाँ पे सॉस पैन में कश्मीरी चाय के लिए पानी भी रख दिया था। मैंने कहा कहवा बना के तैयार करके रख देती हूँ ताकि शाम को सिर्फ आराम से इसमें दूध डालूंगी और चाय बन जाएगी। तो जितनी देर बाकी चीज़ें बन रही थी साथ साथ ये मैंने सॉस पैन के अंदर कश्मीरी चाय के लिए पानी भी रख दिया था, तो यहाँ पर ये भी साथ ही तैयार हो गया था। इसके बाद मैंने उसी कुकर में जिसमें मटन बनाया था इसी में मैंने बिरयानी बना रही हूँ, क्योंकि जितना ज़्यादा बर्तन अलग अलग करो उतना ज़्यादा फिर गंद पड़ता जाता है। तो मैंने कहा चलो इसी के अंदर इस्तेमाल करती हूँ, इसको और बना लेती हूँ। बस यहाँ पर मैंने प्याज जो है वो भुना, उसके बाद मैंने इसमें टमाटर डाल दिए। टमाटर, लहसुन, अदरक डालने के बाद साथ ही मैंने इसमें चिकन डाल दिया था और उसको भून लिया था। मैंने कहा कुकर में जल्दी से बस बिरयानी बना लेती हूँ, पतीले में भूनूंगी तो बहुत टाइम लगेगा। तो यहाँ पर मैंने चिकन का सालन बिरयानी के लिए बना लिया था और यहाँ पर चावल उबल रहे हैं और बस यहाँ पे मैंने बिरयानी की तह लगा दी है यहाँ पर और इसे दम पे रख दिया। और 20 मिनट के बाद तकरीबन मैंने बिरयानी को दम लगा हुआ, जब खोला तो वो बड़ा ज़बरदस्त थी, बिरयानी तैयार हो चुकी हुई थी। और यहाँ पर बस बिरयानी भी अब रेडी हो गई है। उसके साथ जो मैंने रोस्ट को मसाला सुबह लगाया था वो भी मैंने यहाँ पर रख दिया कढ़ाई में। तकरीबन आधा घंटा इसको लगता है गलने में। जब सारा पानी खुश्क हो गया तो मैंने फ्राइंग पैन में बिल्कुल 3-4 चम्मच ऑयल डाल के इसको फ्राई कर लिया। साथ कोयले का यहाँ पर जो है मैंने इसको दम भी दिया था ताकि इसमें से बड़ी अच्छी सी कोयले की बारबेक्यू की खुशबू आ जाए। तो
दम देते हुए मैं वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि बहुत सारा काम था और मैं जल्दी जल्दी से थोड़ी थोड़ी रिकॉर्डिंग कर रही थी। तो यहाँ पे 5 बजे मैं सारा खाना पका चुकी थी, अब सिर्फ फ्राइंग करने वाले रोल रह गए थे और ये मैंने किचन वगैरह क्लीन कर दिया था। फिर थोड़े से मैंने बैलून्स भी लगा दिए, ये मेरी भतीजी की बर्थडे हुई थी तो उस टाइम 1 वाला बैलून लगा था। और यहाँ पर गेस्ट आ गए, मैं सबसे पहले मैंने उन्हें सूप सर्व किया। जितनी देर वो लोग सूप पी रहे थे तो उसके साथ साथ मैंने जो है उतनी देर जो फ्राइंग वाला काम था वो कर लिया। यहाँ पर मैं ये रोल्स फ्राई कर रही हूँ और इसके साथ साथ ही मैं खाना गर्म कर रही थी। यहाँ खाना गर्म करके साथ बस मैंने सारा रख लिया था। हलीम एक दिन पहले की बनी हुई थी, उस पर मैंने तड़का लगा दिया था और लवाजमात उसके तैयार कर दिए थे। और यहाँ पे अब मैंने बाहर खाना लगा दिया है, ये देखें सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से ऊपर गार्निश करके ये सब कुछ यहाँ पर लग गया। साथ मैंने कैंडल्स जला दी थी क्योंकि अगर खाना आपने अच्छा बनाया और प्रेजेंट अच्छा ना करें तो उसका फ़ायदा कोई नहीं होता। तो यहाँ पर जी खाना लग गया है और सब अब यहाँ पर खाना इंजॉय कर रहे हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे चाय बना ली थी, कहवा मैंने पहले ही बनाया हुआ था। और यहाँ पे हमने साथ बर्थडे कर ली और साथ कई एक मामू खुद ही लेकर आए थे। और ज़रदा यहाँ पर एक दिन पहले का हमारे पास पड़ा हुआ था तो वो मैंने साथ गर्म करके रख दिया था। और बस यहाँ पे मैं चाय डाल रही हूँ और सबने पिंक चाय बहुत ज़्यादा एंजॉय की। और ये बड़ा फ़ायदा होता है कि अगर आपने पहले से कहवा बना के रखा हो ना तो जल्दी जल्दी से जो है वो आप चाय बना लेते हैं। तो ज़रदा भी बहुत ही मज़ेदार था और केक जो मामू लाए थे वो भी बहुत मज़ेदार केक था। हमने उन्हें कहा था कि मैं खुद बना लूँगी मैं केक, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं केक हम खुद लेकर आएँगे। तो यहाँ पर सब लोग चाय के साथ केक एंजॉय कर रहे हैं, बहुत ही मज़ेदार केक था और बहुत मज़ा आया। सबने खाना भी बहुत एंजॉय किया तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो गेस्ट जो है वो 11 बजे के करीब चले गए थे और उसके बाद मैंने सारी डिशेस वगैरह क्लीन करके सारा किचन क्लीन किया तो मुझे तकरीबन 12 बज गए थे। उसके बाद फिर बस मैंने अपने लिए चाय बनाई और फिर मैं यहाँ पर अब चाय इंजॉय कर रही हूँ। आई होप कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसे लगी। अल्लाह हाफिज़।